अरे क्या कर रही हो आप? मैं तो सिर्फ 3000 खा रही हूँ। थोड़ा आहिस्ता बजाओ इसको। आपको पता है कल 14 अगस्त का फंक्शन है मेरे स्कूल में, इसलिए मैं उसके लिए स्पीच रेडी कर रही हूँ। मुझे करना है तो आप जाओ यहाँ से, इसको मत बजाओ, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। मैं तो अपनी खुशी के लिए मालूम कल 14 अगस्त है। अरे 14 अगस्त ऐसे नहीं मनाते। इधर देखो, सबसे पहले तो आप ये बात समझो कि जब आप इस बाजे को बजाती हो, मतलब आप बाजे को बजाती फिरती हो, तो सबसे पहले इससे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन, सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा हमें ये है कि अब जब 14 अगस्त आया है तो मुहर्रमुल हराम भी आ गया है, तो हमें ज्यादा मतलब ऐसे बैंड बाजे और ज्यादा सिंगिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आ गया है मुहर्रमुल हराम, और मुहर्रम में तो बिल्कुल भी ऐसी चीज हमें नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये कि आप लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ था, और अभी हम आजादी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इसलिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अपनी एक आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको पता है हमें कि कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है? कश्मीर में लोगों को तीज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तीज किया जा रहा है, मतलब मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? वहाँ पे रहते हैं इंडिया के लोग, हिंदू रहते हैं वहाँ पे, वो उनको शहीद कर रहे हैं, पाकिस्तानी को शहीद कर रहे हैं। तो फिर वो मतलब अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं? हाँ, तो जो लोग बच्चे नहीं हैं वो घर में कैद होकर गुजारते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि कश्मीर के लोगों पर कितना जुल्म और सितम कर रहा है, मतलब इंडिया के लोग, हिंदू वगैरह, उनको शहीद कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं, और वो हमारी तरह एक आजादी, मतलब जिस तरह हम रह रहे हैं एक फ्रीडम के साथ आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो इस तरह नहीं रह रहे हाले, ना हमारी तरह वो ईद मना सकते हैं, और ना मुख्तलिफ फेस्टिवल जो हमारे होते हैं ईद उल अजहा, ईद उल फितर, ऐसे वो नहीं मना सकते। और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अपने मुल्क में आजाद जिंदगी जी रहे हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पाक की मुख्तलिफ तलावत करते हैं, मुख्तलिफ तस्बीहात करते हैं, तो इसलिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आपको पता है हमें इस दिन क्या करना चाहिए? हमें इस दिन अपने मुल्क को साफ करना चाहिए। नहीं, हमें सबसे पहले तो हमें इस दिन तलावत कुरान पाक, यानी कुरान पाक की तलावत करनी चाहिए, कुरान खानी करनी चाहिए, और हमें उन शहदा के लिए फातिहा खानी करनी चाहिए जिन्होंने हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान के लिए कितनी सारी कुर्बानियां दी, यानी उन्होंने कितनी सारी मुश्किलात का सामना किया इस पाकिस्तान को बनाने के लिए। और सबसे पहले तो कायदे आजम ने तो बहुत मेहनत की है इस मुल्क को बनाने के लिए, जिसमें हम अपनी जिंदगी आजादी से जी सकते हैं। तो हाले देखो, जब भी किसी की बर्थडे आती है आप उसको गिफ्ट देती हो ना, तो अब जैसा कि आप जानती हो हमारे मुल्क पाकिस्तान की बर्थडे है, तो आप उसको क्या गिफ्ट दोगी? मैं अपने मुल्क को साफ रखूंगी। अच्छा, और कहीं भी मुझे कूड़ा नजर आएगा तो मैं कहूंगी यहाँ पे मत कूड़ा फेंक, जैसे कि हमारे घर के सामने कूड़ा फेंक जाते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वेरी गुड हाले, आपने बहुत अच्छी बात की है। तो मेरे ख्याल में जिस दिन यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान की बर्थडे आती है, सबसे अच्छा गिफ्ट यही होगा कि हम अपने मुल्क, अपने वतन यानी पाकिस्तान को बिल्कुल साफ रखें, यानी कहीं भी मतलब हम दूसरे लोगों को भी ये समझाएं कि कहीं भी कूड़ा क्रिकेट ना फेंके ज्यादा। हाले ये तो हो गया आपकी तरफ से हमारे पाकिस्तान के लिए गिफ्ट। तो मेरे ख्याल में मैं सब पाकिस्तानियों से कहना चाहूंगी कि अपने पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट यही होगा कि वह कायदे आजम का जो मोटो है यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, उस पर अमल करें। तो यूनिटी का क्या मतलब है हाले? हम सबको, जैसे आपने सुना ही होगा यूनिटी स्ट्रेंथ, सबको एक साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। अब देखो, आप मिलजुल कर काम करोगे जल्दी हो जाएगा, अकेले करोगे तो लेट नहीं होगा। इसलिए स्कूल में अकेले काम करती तो मुझे स्लो हो जाता है। अच्छा, फिर आप टेस्ट करती हो अकेला, आपको स्लो होता है? आप दूसरों को भी साथ मिला लेती हो? अच्छा, इसको छोड़ो। तो यूनिटी यानी हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। हाले यूनिटी का मतलब है हम सब इकट्ठे हो जाए, हम सब में इत्तफाक हो, यानी हम सिंधी, बलोची, पंजाबी और ये खैबर पख्तूनख्वा में जो रहते हैं, मतलब जिस भी सूबे में हम रहते हैं वो सब हम बाद में है, हम सबसे पहले हैं पाकिस्तानी। तो यही होता है
होता है यूनिटी। हम सब कुछ बाद में है, हम सबसे पहले है पाकिस्तानी, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए वो भी इत्तेफाक से। तो नेक्स्ट है फेथ, या नेक्स्ट हमारे कायदे आजम का मोटो है फेथ। फेथ यानी अपने, हमें अपने खुदा अल्लाह यानी अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक पुख्ता यकीन होना चाहिए। हम सब मुसलमान है पाकिस्तानियाँ, हमें अपने रसूल और अपने अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए, यही हमारी आखिरत की कामयाबी का राज है। मुझे तो पता ही नहीं था, अब पता चल गया। तो नेक्स्ट हमारे कायदे आजम का मोटो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या होता है, डिसिप्लिन में जैसे हम लोग जो है कतार में लगना पसंद नहीं करते, कतार में वेट करना पसंद नहीं करते, तो हमें अपनी जिंदगी में सबसे, मेरा ख्याल में बाकी यूनिटी फेथ तो है ही है, मगर डिसिप्लिन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी में हर एक चीज में डिसिप्लिन कायम रखना चाहिए। जैसे पहले आपको एग्जांपल दूं, जब आप कैंटीन में जाते हो टीचर कहते हैं डिसिप्लिन रखो, डिसिप्लिन के साथ काम करो। आप तो टीचर जाने नहीं है, टीचर लिखवाती है कुछ को बिकॉज ऑफ कोरोना। तो हमें अपने जिंदगी में डिसिप्लिन रखना चाहिए, हमें आपस में यूनिटी बनानी चाहिए, तो कोरोना ही और अपने अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए। तो यही थे हमारे कायदे आजम के मोटो, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन। तो इन तीनों मोटोज पर हमें अपनी पूरी जिंदगी अमल करना चाहिए। तो हाले आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ गया, आइंदा कोई भी आपको पूछेगा कि कायदे आजम के मोटो क्या है, इनका क्या मतलब है, आप बताओगी सबको? चलो फिर वीडियो को एंड करते हैं, मुझे लगता है बोर हो गए। तो चले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन मोटोज पर अमल कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।